हाय फ्रेंड्स, देखिए आज हम एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी देखने वाले हैं, 2800 करोड़ की कंपनी, जिसमें कि ये एक न्यूज आ रही है कि अडानी जो है इसमें स्टेक खरीद सकते हैं। इसका जो बिजनेस है, जो सीमेंट बिजनेस है, उसको ये ले सकते हैं। तो देख लेते हैं। देखिए, इस खबर के आने के बाद जैसे ही ये खबर आई, कंपनी का शेयर कल 10% भागा। और अगर हम पिछले एक साल का इसका चार्ट देखें तो देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो है इसने हमें रिटर्न एक साल में दिए नहीं हैं। लगभग लगभग 18% का रिटर्न इसने दिया है हमें एक साल में। और कंपनी अभी कंसोलिडेशन में ही है। जैसे ही अभी ये सौदा होगा पूरा अडानी के साथ, तो बहुत अच्छी ये कंपनी भाग सकती है आगे, अगर हो जाता है तो चलिए देख लेंगे आगे। देखिए, कंपनी के बारे में अगर हम कुछ देखते हैं तो सारी चीज़ें ही लगभग रेड में दिखाई देती हैं। कुछ भी इसके फंडामेंटल्स नहीं हैं। देखिए, पी देखेंगे तो माइनस में है, कंपनी लॉस मेकिंग है। पिछले चार सालों में देखेंगे तो सिर्फ 2020 में एक बार प्रॉफिट दिया था, बाकी हर बार लॉस ही दे रही है कंपनी। तो चलिए कंपनी के फंडामेंटल्स वगैरह देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको हमारे चैनल पर हमेशा मिलती रहें। चलिए चलते हैं। कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग में, सीमेंट में, जो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें, पावर में, रियल इस्टेट में, और होटल और हॉस्पिटलिटी में काम करती है, और स्पोर्ट्स वगैरह में भी काम करती है। और 37% जो इसका रेवेन्यू है वो आता है फर्टिलाइज़र से। देखिए, सिर्फ 2884 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस है 11.80 रुपये, और हाई गया था ये 13 रुपये तक, और लो है इसका 7%। मतलब लो से एक अच्छी रिकवरी कंपनी कर चुकी है। कंपनी के प्रोज में कुछ भी नहीं है और कॉन में तो बहुत कुछ है। देखिए, सेल्स ग्रोथ माइनस में है, प्रमोटर होल्डिंग भी कम हुई है कंपनी की, और अभी बुक वैल्यू से जो है 34 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है। और जो इक्विटी पर रिटर्न दिया है वो दिया है पिछले 3 सालों में -124% का। कंपनी की सेल्स भी देखिए लगातार घट रही हैं। 2014 से लेके अब तक 14 में जहां सेल हुआ करती थी 19,832 करोड़ की, वहाँ अब रह गई है सिर्फ 7,390 करोड़ की। तो कंपनी में मुझे बहुत कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ एक अडानी का नाम अगर जुड़ जाता है तो शायद कुछ हो जाए इसकी। कंपनी पे रिजर्व देखिए माइनस में है, माइनस के 406 करोड़, और अगर कर्जा देखेंगे तो 19,000 करोड़ का कर्जा है, तो बहुत ही बुरी बात है ये कंपनी के लिए। देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न सिर्फ 38% है प्रमोटर्स के पास, FII और DII भी हैं इसमें लगभग लगभग 1-1% के साथ, और भारत सरकार की भी इसमें हिस्सेदारी है लगभग 1% की, और पब्लिक के पास है 58% का स्टेक। तो चलिए चलते हैं उस नोटिस पर, उस न्यूज़ पर जो इसके बारे में आ रही है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, आप इस न्यूज़ को देख सकते हैं, ये है जी न्यूज़ की, हिंदी की ये न्यूज़ है कि गौतम अडानी ACC और अंबुजा के बाद अब इस बड़ी कंपनी को ख़रीदने की तैयारी में है गौतम अडानी। जाने क्यों है खास ये डील, तो देख लेते हैं इसको। देखिए, कंपनी का जो नाम है वो है जयप्रकाश एसोसिएट, अर्थात JP एसोसिएट के नाम से ये लिस्ट है। तो कंपनी देखिए इंट्राडे में लगभग 12 रुपये तक भी पहुंची थी इस खबर के आने के बाद, फिर बाद में जो है 10% पर ही रह गई, कुछ घट गया था नीचे, शेयर नीचे आ गया था थोड़ा, लेकिन फिर भी 10% की तेज़ी इसने दिखाई। तो इसमें जो है देखिए बताया गया है कि ये जो है अपना सीमेंट का कारोबार बेचने की तैयारी कर रहे हैं, और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार JP एसोसिएट का जो सीमेंट कारोबार है उसको गौतम अडानी खरीद सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और देखिए, अभी जो है कोई ऑफिशियल ये अनाउंस नहीं हुआ है। हाँ, कंपनी ने ये जानकारी ज़रूर दी है कि कंपनी अपने कर्ज को कम करने के लिए 10 अक्टूबर 2022 को एक बैठक इन्होंने बुलाई थी, और उसमें जो है एक महत्वपूर्ण सीमेंट कारोबार को बेचने का फैसला किया गया है। तो ये था, अब किसको बेचेंगे ये और कौन खरीदार है ऐसा कुछ नहीं पता है। उधर जो है JP एसोसिएट अपना सीमेंट कारोबार बेच रहा है, और इधर अडानी जी ने भी अपना एक प्लान कल बताया कि जो इनका राजस्थान का प्लांट है उसमें ये सीमेंट का जो प्रोडक्शन है उसको डबल करना चाहते हैं 7,000 करोड़ इन्वेस्ट करके। तो यही रिलेट किया गया कि JP वाले जो हैं वो इनको ये स्टेक अपना बेचने वाले हैं। तो देखिए, अगर ले लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन JP एसोसिएट में मैं तो इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दूंगा, अपना मैंने भी नहीं किया हुआ है। बाकी अगर करना चाहते हैं आप तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार सलाह ज़रूर ले लें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।